नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बीके यादव। हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट क्लासेस 100%। इसमें हम आज आपको बताएंगे जो SSC GT का पेपर चल रहा है उसके बारे में। जो हमारे दोस्त हैं कुछ और कुछ कोचिंग सेंटर वाले बच्चे हैं, उनसे हमने बात की, तो जो लाभ हानि के सवाल हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस टाइप में आ रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं। तो उसी आधार पर हमने सवाल लेके आए हैं कुछ जो एग्ज़ाम में लगातार आ रहे हैं, उसी आधार पर हम आपको बताएंगे कुछ। तो देखिए, SSC में जो केवल लाभ हानि वाले यानी प्रॉफिट लॉस वाले ही क्वेश्चन हम इस वीडियो बनाएंगे। अगली में जो हमने सभी का एनालिसिस किया अलग अलग चैप्टर का, उस हिसाब से हम आने वाले हुए क्वेश्चन उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो पहले हम बताएंगे आपको ये लाभ हानि के सवाल। तो इसमें पहला जो सवाल है वो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए, पहला क्वेश्चन है वो हमें आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उसी आधार पर बताए हैं जो उन्होंने बताए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। वो 8 से 10 क्वेश्चन है इसमें जो अभी लगातार आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुर्सी को 2800 रुपये में बेचता है, एक दुकानदार एक कुर्सी को 2800 रुपये में बेचता है तो निश्चित लाभ होता है, यानी कुर्सी को 2800 रुपये में बेच रहा है तो उसे निश्चित लाभ होता है, या जो कुर्सी को 2160 रुपये में बेचता है तो हुए लाभ का 15 गुना हानि होती है। यानी ऐसा समझ लीजिए, जैसे कुर्सी को 2800 रुपये में बेच रहा है तो उसे निश्चित कोई लाभ हो रहा है, और उसी कुर्सी को वो 2160 रुपये में बेचता है तो 15 गुना क्या होती है, हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कुर्सी उसने कितने रुपए में खरीदी है। तो सबसे पहले जो बेच रहा है वो कितने रुपए में बेच रहा है, 2800 रुपये में बेच रहा है। फिर दोबारा वह कितने रुपये में बेच रहा है, यानी ये बेच रहा है 2160 रुपये में। टोटल उसे घाटा कितना हुआ, ठीक है, बेची तो रहा है दोबारा, तो 660 रुपये का घाटा हुआ, 640 रुपये का। तो ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी प्रॉफिट हो रहा था उसे, ठीक है। यहाँ उसने फिर खरीदी मान लो कोई चीज़, फिर उसके बाद उसे बेच रहा है दोबारा से, उसे जैसे यहाँ खरीद ली, पहले उसे प्रॉफिट हुआ, फिर उसने खरीदी मान लो यहाँ से तो खरीदी, फिर यहाँ से वहाँ तो बेच रहा है वो, तो यहाँ से 15 गुना क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। तो 15 गुना हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है हमारा, ये टोटल कितना हो गया, 15 और 1 16, तो टोटल हो गया हमारा 16 प्रॉफिट। तो कितने टोटल है, 640, तो 16 चौका 64, यानी उसने कितने का हुआ है, 40 रुपये की हानि हुई मतलब उसमें। तो उसमें कितने रुपए में खरीदी होगी कोई वस्तु, 2800 रुपये में उसने क्या की थी, बेची थी, अगर 40 रुपये कटा दें तो ये कितने बचे, 2760 रुपये में, यानी क्या उसने खरीदी, तब उसे मुझे निश्चित लाभ हुआ था। तो ये क्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना होगा, 2760 रुपये। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी आधार पर, तो ये दूसरा टाइप है इसी में, जैसे जो आ रहा है उसी टाइप में उन्होंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ के साथ बेचता है, यानी कि 10% लाभ के साथ बेच रहा है, यदि वह 10% कम में खरीदता है, 10% कम में खरीदता है और 140 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, यानी 140 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदी। टोटल मान लीजिए हमने कोई वस्तु है यानी CP, यानी कोई वस्तु हमने मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का, 10% लगाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 110% क्या हो जाएगा हमारा SP, यानी बेची तो रहा है वो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि 10% का उसे कम में खरीदता है, यानी यहाँ मान लीजिए CP 100 रुपये में खरीदी थी उसने और 10% कम में खरीदता है, तो 10% कम में तो ये 90 हो जाएगी। फिर उसने क्या किया कि बेचने के उसे 30% लाभ होता है, तो उसी पे जो 10% 90 जो खरीद रहा था उस पर 30% लाभ होता है, तो इस पर हम 30% जोड़ेंगे, 3 × 27, तो ये कितना हो जाएगा, 117। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7, मगर वो क्या कितना रहा है, 140, तो 7 बराबर 100, यहाँ लिख लेंगे ऊपर, यहाँ नहीं आ रहा है, तो 7 बराबर 140। तो परसेंटेज है तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, 7 × 40 यानी 2, तो कितना हो गए, 7 × 40 और ये 100, यानी 2000 रुपये में उसने
खरीदी थी, ये हमारा आंसर है, ये सवाल है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो हो गए, इसमें तीसरा क्वेश्चन और भी है, वो देखिए। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें जो हम बता रहे हैं अभी प्रॉफिट लॉस में, ये कह रहा कोई दुकानदार अपने विक्रय मूल्य का, बहुत सरल सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए और सवाल सवाल हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल इसमें समझने की बात है। क्या बात है, देखिए कोई दुकानदार अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ अर्जित करता है, तो उसे उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, यानी वो विक्रय मूल्य जो खरीद रहा है उसका, यानी जो क्रय मूल्य जो बेच रहा है उसी पर 25% लाभ अर्जित करता है, तो उसमें कितना उसे लाभ हो गया, कितनी हानि हो गई। तो 25% तो देखिए इसमें क्या होगा, 25% वो कितना बढ़ेंगे, तो एक बट्टे चार हो जाएगा, यानी यहाँ जो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो ये नीचे हमेशा सीपी पे होता है, मगर यहाँ क्या विक्रय मूल्य पर बात कर रहा है, यानी जो बेची गई है उस पर बात कर रहा है, तो क्या ये सीपी होगी, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें हमें यानी एसपी है या तो सीपी निकालना है, तो यहाँ ये प्रॉफिट है, इधर कटाएंगे तो सीपी निकालने के लिए तो ये इससे कम होगा 3 से, तो ये कितना होगा, ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारा सीपी, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यानी 100% पर हम निकालते हैं 100 बट्टे, ये कितना है 3 3 निकालें तो कितना आया 33, सही 1/3, ये हमारा आंसर होगा इसमें, ओके। और देखिए चौथा सवाल जो कौन सा है, चौथा सवाल है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 17% हानि के साथ बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 144 अधिक में बेचे, यानी यदि वह उस वस्तु को 144 अधिक में बेचे तो उसे 17% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने के लिए, यानी उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है, बेचने पर तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें 17% तो या 19% हुआ, गलत हो गया, 17 नहीं 19 आया, 17 से भी निकले आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 19 वाले काट फीट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल है इसमें देखिए, ज़्यादा नहीं केवल यहाँ पर ये और ये वाला बेच रहा है, और यहाँ पे भी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसमें केवल चेंज था, या लाभ हो रहा था हानि थी, अधिक में बेच रहा था और कम में बेच रहा है, तो इसमें सबसे पहले आप सीपी निकालेंगे, सीपी फिर वो एसपी, सॉरी सीपी फिर एसपी फिर सीपी, क्योंकि दो बार बेच रहा है, तो ये टोटल ये कितना बेच रहा है, 144 रुपये अधिक में तो बेच रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बेच रहा है, 144 अधिक में, तो पहले वो कितना बेच रहा है, 17% लाभ पर, तो पहले लाभ हुआ है 17%, फिर क्या 17% हानि, तो ये क्या होगी 17% हानि, अगर दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 144 है, ये 17 प्लस 19 कितना हो गए 36, फिर बराबर 144, तो कितना हो जाएगा, पी बराबर निकालेंगे तो 36 चौका 3 चौक 12 6 चौक 24, यानी 144, 36 चौक 144। अब यहाँ बात आती है परसेंटेज कितना लगाएंगे, ठीक है 10% लाभ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 110, तो ये कितना होगा 440, ये हमारा नया विक्रय मूल्य होगा। अगर समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और भी वीडियो हम आगे बना रहे हैं जो प्रॉफिट लॉस की, तो होगी परसेंटेज में भी बताएंगे, और टाइम एंड वर्क औसत में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सारे हम क्वेश्चन बताएंगे किस किस तरीके से आएंगे। ओके, थैंक यू।